अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समर अब्बास और मैं बात कर रहा हूँ अपने चैनल सोना चिनियोटी मुंडा से। और आज का व्लॉग है लाहौर से कराची। और आज मैं आपको पता है कि रायवंड से उस दिन भी उतरा था, आज रायवंड से चढ़ूँगा मैं कराची के लिए और दिखाता हूँ कि कैसा सफ़र रहता है। पिछली दफ़ा हम इलामा इकबाल में गए थे, इस दफ़ा हम कराची एक्सप्रेस में जाएंगे। ये जो है ये डाउन कराची एक्सप्रेस है और ये जब रेडी होके आएगी इसके अंदर दोबारा हम सफ़र करें ये कराची का। चले चलते हैं। जी व्यूवर्स, ये मेरे बिल्कुल सामने पाक बिज़नेस एक्सप्रेस खड़ी भी है और हमें तकरीबन 5 बजे का टाइम है ये, और हमें आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। हमारी ट्रेन बहुत लेट है और हम वेटिंग में बैठे हुए हैं। इस तरफ ही देख सकते हैं आप लोग के कितने मुसाफिर वेटिंग में बैठे हुए हैं, और हमारी तकरीबन 4 घंटे ट्रेन लेट है। तो हमें पता नहीं था, पर हम लोग जल्दी जल्दी आ गए कि ट्रेन छूट ना जाए हमारी। और ये जो है पाक बिजनेस है, और आगे चल के इसका लोकोमोटिव भी दिखाते हैं आपको, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। और आपको तो पता है कि मैं ट्रेन का लवर हूँ, तो मुझे हर चीज़ ट्रेन की अच्छी लगती है, और मैं तो कहता हूँ कि मैं हर दम ट्रैवल करता रहूँ। ये देखें, लोकोमोटिव के पास मैं पहुँच गया हूँ, और ये ओल्ड लोकोमोटिव है। और क्या आपने देखा, पहले जो ट्रेन चलती थी तो उसमें लिखा होता था, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान रेलवे का आज से कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है घोटकी पे, और देख सकते हैं कितनी बुरी सूरत हाल है, और बहुत मुश्किल से ट्रैक को सही किया गया है। अभी भी बहुत स्लो चल रही है ट्रेन, क्योंकि आपको पता है ट्रैक रिपेयरिंग हुआ है दोबारा से, तो इसकी वजह से थोड़ा स्लो गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, और बहुत ही आगे तक ट्रैक ख़राब है। सिंध का कहीं हिस्सों में ट्रैक सही हो रहा है, सिंध में पूरे जो है ट्रैक वगैरह ख़राब पड़े हुए हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग कर रहे हैं, रेलवे के मुलाजिम जो हैं वो ट्रैक साफ़ कर रहे हैं, ताकि ये रेलवे की पटरियों पे ये जो ट्रेन है इसके हादसात कम हो। और अभी तो ML1 जब बनेगा तभी ये चीज़ें सही होंगी। बाकी ये है कि वक़्त के साथ हर चीज़ सही हो जाती है। ये मेरे सामने देख सकते हैं ट्रेन है, और ये मैं बात कर ही रहा था तो ट्रेन आगे से आ गई, तो इसका मैं नाम पढ़ नहीं सका, बट ये है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा ट्रैवल बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। और ये देख सकते हैं हर जगह हरियाली है, और आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। व्यूअर्स, ये मेरे बिल्कुल सामने जो है शाहराह फैसल का रोड है, और मैं आप लोगों को सारे स्टेशन नहीं दिखा सका, इसके लिए माजरत, क्योंकि रात को ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, इसकी वजह से बहुत थकन हो गई थी। रात को 10 बजे ट्रेन चली है, हालांकि 5 बजे का टाइम था, पर बाकी पाकिस्तान रेलवे में जैसे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं इसकी वजह से वजूहात से ट्रेनों की आमदरफ्त में थोड़ी टाइमिंग का इशू हो रहा है। बाकी ट्रेन माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ थी कि उसने कवर कर लिया, कुछ टाइम अपना कवर कर लिया, और हमें अपनी मंजिल पे सेफ पहुंचा दिया है। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ KCR का ट्रैक भी आएगा, और जिसके लिए मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था वो ट्रैक मेरे बिल्कुल करीब पहुँचने वाला है, और मैं वो आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, बस पहुंचने वाले हैं हम लोग, तो अभी कराची में ही हैं, और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि रिजोर्ट स्टेशन पहुंचने वाला है, और मेरी
पटरी जाने वाली है और रिवर्स ऐसी स्पोर्ट करते हैं मुझे आपकी स्पोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप स्पोर्ट करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरा मोबाइल जल्दी आ जाए ताकि मैं आपको डेली की डेली वीडियो बना के दिखता रहूँ। अभी भी ये मोबाइल मैंने किसी से लिया है उससे मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को नाराज़ नहीं करना चाहता और मैं अपने चैनल में वीडियो डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डालूँगा तो आप देखें, इसलिए हम हाजिर हैं आपके पास। बस थोड़ा सा आगे रह गया है मेरा केसीआर का प्लेटफॉर्म, पहुँच के आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स अभी जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये मलीर का स्टेशन है, मलीर कॉलोनी का, और उसके थोड़ा सा ही आगे की पटरियाँ वो देख सकते हैं मेरे बिल्कुल उस तरफ जो है स्टेशन छोटा सा बना हुआ है, उसके साथ केसीआर की पटरियाँ जा रही हैं और ये बिल्कुल ही करीब है। ये देख सकते हैं ये केसीआर की पटरी हैं और ये सीधा जो है गुलिस्तान जौहर और नासराबाद की तरफ ये जाती थी आज से 20 साल पहले, और अभी भी रेलवे की जो कुछ किस्मती है कि वो इंशाल्लाह ताला काफ़ी जल्दी कर लेंगे, ये बस ये आने वाली है। ये ब्रिज जो सामने नज़र आ रहा है ये मलीर का ब्रिज है, मलीर के ब्रिज के बिल्कुल नीचे गुजरती है। अब ये देखे मैं केसीआर की बात कर ही रहा था, मेरे सामने आ गई केसीआर और मैं बहुत ही खुश था। और ये देखें ये इसके साथ ही हॉल है, हॉल के अंदर से ये गुज़रती है केसीआर, तो आगे आती है मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से पहले रोड ओपन था, अभी रोड यहाँ से बंद कर दिया गया, क्यों? क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन थी और इसकी वजह से ये बंद कर दिया गया। ये देखें वो मेरे सामने देख सकते हैं, ये गुलिस्तान जौहर का ट्रैक है, ये यहाँ से दिखाया गया है, पुराना ट्रैक था उसको नहीं क्लीन किया गया है और यहाँ से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये। गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है मेरा, और अभी कराची आ गया हूँ मैं और दोबारा आपको अपनी वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ करूँगा, और इंशाल्लाह ताला जैसे कि मैंने आपको पहले लुत्फ़अंदोज़ किया अपनी वीडियो दिखा दिखा के, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला करूँगा। इतने दिन से वीडियो मेरी इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा मोबाइल स्नैच हो गया था और पॉकेट में से किसी ने निकाल लिया था, लाहौर गया था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो इसके लिए बहुत बहुत ही सॉरी माजरत कि आप लोगों को मैं लुत्फ़अंदोज़ नहीं कर पाया। बाकी टेंशन नहीं लें, आपका रियल फ़ैन आ गया है और इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे ही रियल फ़ैन लुत्फ़अंदोज़ करता रहेगा। मेरा चैनल ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो ये कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।